एक कहानी है भानु और उसके गधे की। भानु एक किसान था जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ वह रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भानु के पास खेती करने के लिए एक गधा था जिसका नाम था चेतक। चेतक खेत में हल चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद भानु चेतक के पास बैठकर बातें किया करता था। खेत जोतने के बाद खेत के एक तरफ पेड़ की ठंडी छांव में चेतक से बात करते हुए। हाँ भाई दोस्त चेतक, आज का काम तो हो गया। धन्यवाद दोस्त मेरा साथ देने के लिए, धन्यवाद। अब तुम थक गए होगे, आराम कर लो। भानु बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भानु की खुशी उसके पड़ोसी विक्रम से देखी नहीं जाती थी। विक्रम वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए मशीन भी थी, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि आखिर ये भानु इतनी छोटी सी जमीन पर खेती करके खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मेरा अनाज भी ज्यादा हुआ था, फिर भी उन पैसों से मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। शायद ये गधा उसकी खुशी का कारण है, जब देखो गधे से बातें करता रहता है। विक्रम भानु के पास गया। अरे भाई भानु, मुझे एक गधा खरीदना है। लेकिन भाई तुम्हारे पास तो खेत जोतने के लिए मशीन है। वो तो है, लेकिन क्या है कि मशीन से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक गधा ही खरीद लूँ। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा गधा बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा गधा नहीं बेचना है। आप कृपया करके कोई और गधा ढूंढ लीजिए। विक्रम अपने खेत लौट आया और वह सोचने लगा। हो ना हो, उसके गधे में ही कुछ बात है। जो भानु इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो इसके गधे को पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी जमीन ही नहीं रही तो ये खेती कैसे करेगा और अपना गधा मुझे बेच देगा। उस रात विक्रम ने छुप कर भानु के सारे खेत जला दिए। अगले दिन जब भानु ने अपने खेत देखे तो वह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया, अब मैं खेती कैसे करूँगा। विक्रम भानु की ऐसी स्थिति देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखता हूँ अब अपने प्यारे गधे को ये कैसे नहीं बेचता है। विक्रम नाम है मेरा, विक्रम। कुछ दिन बीत चुके हैं और भानु अपने पास जमा सिक्के गिन रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 15 ही चांदी के सिक्के हैं। इससे तो सिर्फ कुछ समय और मेरा घर चल पाएगा। मुझे चेतक को बेच देना चाहिए, उसका नया मालिक उसे भरपेट खाना तो खिला पाएगा। ऐसा सोच भानु चेतक को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भानु के हाथ में सिक्कों की पोटली थी। कुछ समय चलने के बाद भानु ने सोचा, मेरे पास सिर्फ 15 चांदी के सिक्के हैं। अगर ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को चेतक के गले में बांध दूं। भानु ने सिक्के की पोटली चेतक के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भानु एक ढाबे पर रुका। उसने वहाँ कुछ खाने का निर्णय लिया और चेतक को बाहर एक पेड़ से बांध दिया। जब भानु खाना खा रहा था तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वह चेतक की ओर ही देख रहा था। तभी चेतक के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला गधा। तभी एक और सिक्का नीचे गिरा। अब तो ढाबे के मालिक को विश्वास हो गया कि हो न हो ये एक जादुई गधा है। अरे ये जादुई गधा है, शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। भानु चेतक के पास पहुंचा और चेतक की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आ गया। अब क्या आप ये गधा बेचना चाहते हो? हाँ श्रीमान, बेचना तो है, पर बहुत प्यारा है मुझे ये। मेरा सुख दुख का साथी है, पर मजबूर हूँ। क्या आपको ये खरीदना है? अब हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इस गधे के
1200 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। क्या 1200 चांदी के सिक्के? हाँ हाँ दे दीजिए, ठीक है मुझे सौदा मंजूर है। भानु को गधे के बदले 1200 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भानु मंडी गया और उसने 4 भैंसे खरीदी। भानु बहुत खुश था, वह भैंसे लेकर गांव लौटा। भानु ने भैंसों का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भानु अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या के मारे मरा जा रहा था। भानु का गधा उसके लिए जादुई गधा साबित हुआ।